नाजरीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह एक अहम डिपार्टमेंट, एक अहम मुद्दे पर बात होगी और आज जो मुद्दा हमने चुना है वो है हेल्थ सेक्टर। जी हाँ, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एक नया वेरिएंट कोविड का सामने आया है और जिसके साथ हम, हमारा डिपार्टमेंट, सब लोग लड़ रहे हैं ताकि कश्मीर की आवाम, पूरी जेएंडके की आवाम इससे बची रहे। और जेएंडके में काम चल रहा है, खासकर कश्मीर में काम हो रहा है कि हम ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, उससे कैसे बचे। और अब जैसा कि आपने सुना ही होगा कि 15 साल से 18 साल तक की उम्र के लिए अब जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है और बहुत फख्र महसूस हमें हो रहा है कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और इस स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, आज हमने दावत दी है डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर साहब को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आने का मौका दिया यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। हमारे लिए खुशनसीबी कि जी आपने जी हमारी दावत कबूल की और आज आप तशरीफ लाए। आगाज में जानना चाहेंगे, अभी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कोविड जी से जी सब लोग जूझ रहे हैं, तो महकमा अभी किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या काम हो रहा है? देखिए, आपने जो देखा पहला वेव था, उसके बाद दूसरे वेव में हमने कैसे ऑक्सीजन जो जी सिस्टम था, जो कितना स्टेबलाइज होगा कश्मीर में, जी कहीं पे ऑक्सीजन की परेशानी नहीं रही, दवाई की परेशानी नहीं रही, बेड अवेलेबिलिटी की परेशानी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा सेकंड वेव से जो हमने लड़ा तो अच्छे तरीके से, लोगों ने भी कॉपरेशन दिया, आप लोगों ने जो आपके मीडियम से, आपके माध्यम से हमने लोगों को अवेयर भी किया, लोगों ने जो अवेयरनेस फैलाई हमने उससे भी प्रिवेंशन हो गया। और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थे उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल का सपोर्ट रहा, और हमारे हर एक मुलाजिम, एक चपरासी से लेके एलजी साहब तक, हर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा। रोज मीटिंगें हुआ करती थी, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, कैसे किया। फिर वैक्सीनेशन आ गई, आपने देखा हमारे लोग पहाड़ पे थे, हमारे लोग दरियाओं में गए, बिल्कुल हमारे लोग सड़क पे थे, तो वैक्सीनेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हमारी कंट्री में ही नंबर वन पे हम रहे। बिल्कुल कोई कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने अप टू मार्क काम नहीं किया, सारा ठीक रहा। अब जो ओमिक्रॉन आ रहा है, जो आ गया है इधर जी जम्मू में, कुछ केसेस है यहाँ अभी नहीं है, लेकिन हमने जो अपनी तैयारियां पूरी करी, हमारी सीएस साहब के साथ मीटिंग रोज होती है, एलजी साहब तो वीकली मीटिंग लेते हैं रिगार्डिंग कोविड एंड कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो उसमें यही होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या और करना है। उसमें हमने ये किया, पहले तो एयरपोर्ट में हमने क्या किया, जो लेटेस्ट एसओपीज आई, जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई जी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आएगा उसको तो टेस्ट करना ही करना है, चाहे उसने वहां किया होगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड होगा या नहीं होगा। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर था कि जो भी हमारी ये कंट्रीज है जहां में ये है, तो वहां से जो भी आएगा उसका टेस्ट करना ही करना है। टेस्ट के बाद अगर कोई पॉजिटिव आए तब तक उनको वहां ही रखना है, घर जाने नहीं देना है, जी कहीं बाहर जाने नहीं देना है। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आए उसको डायरेक्टली हमने डीआरडीओ हॉस्टल में शिफ्ट किया, और अगर कोई नेगेटिव आए इनको बोला हमने, चाहे यहाँ का लोकल है वो घर जाए लेकिन आइसोलेशन में रहे, जी 7 दिन आइसोलेशन में रहेगा, उसके बाद उसका और एक टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आए तो वो फ्रीली घूम सकता है फिर अपने प्रिकॉशंस लेके, जी अगर पॉजिटिव आए तो उसको अगेन हॉस्पिटलाइजेशन होगी। और ये और एसओपीज का भी जो आया कि और में एक जो हमारा थ्रू रोड आते हैं लोग, जी हमने टनल के एंटर करते ही, जो ही वैली से एंटर करते हैं, तो हमने हमारे ऑलरेडी टेस्टिंग सेंटर्स वहां पे थी वो हमने डबल कर दिए, जी जो भी आता है उसकी टेस्टिंग होती है, प्रॉपरली टेस्टिंग होके आइसोलेशन हो जाती है, जो ही बंदे को हुआ हमने आइसोलेट किया, अर्ली कैच में आया उसको आइसोलेशन में रहा, तो बाकियों को फैलने के कम चांसेस। जी ओमिक्रॉन का ये है कि ये इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है, बिल्कुल 3 to 4 times, इवन जी 5 times ज्यादा इन्फेक्टिव है देन देन दी डेल्टा अदर वेरियंट, वेरिएंट्स। जी देन अदर वेरियंट। जी ये 26 नवंबर WHO ने वेरियंट ऑफ कंसर्न करार दिया, जी और तब से ही हमने भी क्या किया कि इसमें जो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, जितना ज्यादा हम एसओपीज मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा, देखिए हमने जो डिस्टेंस सोशल मेंटेन डिस्टेंस किया है। रखा, जी तो इसलिए 2 मिनट में मास्क में भी उतार सकता हूं, बिल्कुल अदर जो ये चीजें बहुत जरूरी है, खासकर गैदरिंग जहां पे होगी, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कोई सोशल गैदरिंग हो, जी कहीं पे भी, वहां लोगों से यही अपील रहेगी एसओपीज का को पालन फॉलो करें। करें जी और मैनेज करें। जी और इसके अलावा जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वैक्सीनेशन, जी वैक्सीनेशन इज अ मैजिक बुलेट विद अस, जी इससे प्रिवेंशन हो गई,
इससे सीवियरिटी कम होगी, इससे हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी, खुदा ना खास्ता अगर मौतें हुई ज्यादा अनवैक्सीनेटेड की होगी। वैक्सीन लेना चाहिए। आज भी जो आपने देखा, हमने एक ड्राइव स्टार्ट करी जो थ्रू आउट इंडिया में अपने प्रधानमंत्री जी के कहने पे हमने कर दिया। यहाँ एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया उसको जम्मू में, उसके बाद जो एसीएस है हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक भरद्वाज जी, उन्होंने यहाँ ही कोठीबाग में आज एक मेगा फंक्शन हुआ जिसमें इन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में ये बूथ्स रखे, डायरेक्टरेट ऑफ जो स्कूल एजुकेशन है उनके साथ मिलके, क्योंकि ये जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है 15 to 17, ये लेस देन 18 जी, 15 up to 17, less than 18, ये सारे स्कूल गोइंग है। तो उन्होंने बड़ा हमारा, उन्होंने हेल्प किया हमें और अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट हुआ। इस टाइम भी मैं ऑलमोस्ट 10-12 साइट्स पे गया, वैक्सीनेशन चल रही। और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि बच्चे खुद आए, हमारे एसीएस साहब ने उनको पूछा, मैंने उनसे पूछा, बच्चा आप क्यों आए, हम वैक्सीन लगाने आए, वैक्सीन से क्या होगा, हमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी एंटीबॉडीज हम में आएंगी, हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, यानी कि वो पूरा तैयार रहे थे और मेंटली रेडी थे। अगर हमारा वैक्सीनेशन ये प्रोग्राम, मेरी वालदेन से, पेरेंट से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा, वो अपने बच्चों को लाए वैक्सीनेशन, ये हम पूरी तरह 100% करेंगे, फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी फिर स्कूल खोलने का भी। बहुत खूब, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने लगे, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है, ये कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अपना तारुफ कराइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हम पटन से बोल रहे हैं। नाम बताइए। मंजूर अहमद। मंजूर साहब, सवाल पूछिए। सवाल तो मेरा ये है जी, जो दूसरा वक्त, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या पूछ रहे हैं? जो दूसरा वायरस यहाँ आया है जी, क्या ये मौलिक है कि नहीं? ओमिक्रॉन जो, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, जवाब सुन लीजिए डॉक्टर साहब जी। जो ओमिक्रॉन ये दूसरा वायरस नहीं है, वायरस का वेरिएंट है, वेरिएंट एक्चुअली, यानी कि ये शेप चेंज करता रहता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता रहता है जी। ये वाला जो है, एक चीज अगर मैं बोलूं इसमें अच्छी है, इन्फेक्टिविटी कम होती है ओमिक्रॉन में, सॉरी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, फैलने के ज्यादा, लेकिन सीवियरिटी कम है जी, यानी कि ये ज्यादा सीवियर केसेस नहीं मिले इसके, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी और मौतें बहुत कम होनी है। इसमें सीवियरिटी कम है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इसका यही मतलब है कि जितना हम प्रिकॉशंस लेंगे, जितना हम एसओपीज फॉलो करेंगे, उतना हम इससे दूर बचे रहेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन यहां नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि इसकी जो ये सीवियरिटी कम इसकी है, जो सीवियरिटी नहीं लेने देता ये, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो पहले से ही इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट्स हैं वो इस खतरे में बचे रह सकते हैं, नहीं, उन्हें बचे रहना है। अगर वो कहीं ना कहीं इस इंफेक्शन में आ गए तो वहां पर सीवियरिटी बन सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उन लोगों को, उन जवानों को जो घरों से बाहर आते हैं, फिर घर जाते हैं, घर में बुजुर्ग हैं, हमारी माएं बहनें हैं, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई दवाई ले रहे हैं, किसी मेडिकेशन पर है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें बचाने के लिए हमें पहले अपने आप को बचाना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और कॉलर है, ये कॉल ले लेते। हेलो जी, तारुफ कराइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ है जी। मोहम्मद हनीफ साहब, मैं रावलपुरा से बोल रहा हूँ जी। हनीफ साहब, सवाल पूछिए। सवाल ये है, हमने अप्रैल में पहला डोज किया था, जून में दूसरा डोज किया जी, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है 3 बार हमें SMS मिला आपने दूसरा डोज किया, जो कि हमने किया ही नहीं है। अच्छा, ये क्या वजह है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब सवाल पूछने के लिए, जवाब आप डॉक्टर साहब से सुन लीजिए। हाँ, ये क्या इनको SMS आ रहा है कि तीसरा डोज, दूसरे डोज के लिए? अच्छा, रिपीट हो रहा है ये कह रहे हैं? हाँ, वो कोई कम्युनिकेशन गैप होता है या सिस्टम में कोई एरर होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर से ये क्वेश्चंस उठाए हैं, उनसे बात की है, कभी ये इनमें ये होता है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन में या किसी मोबाइल में या के ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सही आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि जो हमारे मेहमान बाहर से आते हैं उनके टेस्टिंग होती है एयरपोर्ट पर भी, बिल्कुल, और बिल्कुल। यहां पर हमारे टनल से क्रॉस करते ही काजीगुंड की टेस्टिंग होती, बिल्कुल होती। ये हम RT-PCR टेस्ट करते हैं या रैड टेस्ट लेते हैं? नहीं, यहां जो इंटरनेशनल के लिए हमने कंपलसरी रखा रैड टेस्ट, RT-PCR
आरटीपीसीआर तो करना ही करना है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा और जो बाकी जगहों से आएंगे, हमारी ही कंट्री से आएंगे, उनके लिए रेड करना जरूरी जी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी जैसे कि अभी मुहिम चल रही है कि अब वैक्सीनेशन सबको देना है, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। अगर कोई लेफ्ट ओवर है, कोई नहीं लिया है, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी वो आए वैक्सीन करे। देखिए कोई भी वेरिएंट आए, चाहे वो डेल्टा है उससे पहले का था या ओमिक्रॉन हो, ये सेफ्टी देता ही देता है। अगर एक के खिलाफ ये 100% देगा, दूसरे वेरिएंट को अगर 100 नहीं तो 80 देगा ही देगा, 70 देगा ही देगा। वैक्सीन ऑलवेज इट प्रिवेंट अस फ्रॉम एनी वेरिएंट जो भी होगा, तो इसलिए वैक्सीन लेना चाहिए। जो भी लेफ्ट ओवर हुआ है, किसी भी कारण से उसको नहीं लगा है, सामने आए वैक्सीन कराए। महकमे को बहुत जस्तजू करनी पड़ी, जद्दोजहद करनी पड़ी कि लोगों को समझाने के लिए कि वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है और फिर वैक्सीनेशन देने के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आपने देखा पहले नहीं, आज जो आपको मैंने कहा जी, आज के हालात इससे पहले बदल चुके हैं एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने जो पहले पहले कुछ मिथ्स इसमें पैदा किए थे, कुछ र्यूमर्स फैल गए थे, उनकी वजह से जो लोग कतराते थे आने से, जो आते नहीं थे हमारे पास, वो सारा क्लियर हो गया। करोड़ों लोगों में लगा, कोई परेशानी नहीं। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर हम हो गए, इवन हमारे पूरे इंडिया में करोड़ों लोगों को लगा वैक्सीन, बिल्कुल ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। वो मिथ्स, वो र्यूमर्स साबित हुए कि वो गलत थे, और आज भी हम कह रहे हैं वो गलत थे, गलत है जी। जैसे कि ये होता है, ये रिसर्च बेसिस पे कोई ऐसे नहीं करेगा। देखिए आप मेडिकल की बात नहीं करेंगे जी, और मैं मीडिया की नहीं करूंगा, बिल्कुल सही। अपने अपने एक्सपर्ट होते हैं, हमारे जो रिसर्चर्स है, हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो रिनाउंड डॉक्टर्स है, ये उसका पहले पूरा खोज किया जाता है। ऐसे ही नहीं लाएंगे दवाई जी, आपने लाई और बाजार में फेंक दिया, ऐसा नहीं है। पूरा रिसर्च हुआ होता है, और वो सारा मुझे, मैं खुश हूं कि लोगों को ये क्लियर हो गया, जो वो रिमोर्स थे वो गलत थे, जो वो मिथ्स थे वो गलत थे, और लोग आज आ रहे हैं। मैं इसके लिए बड़ा खुश हूं, लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं, वो आए वैक्सीन कराए, खुद भी बचाए औरों को भी बचाए जी। अभी तक तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। हाँ हाँ, दोनों टीकों की अगर हम बात करें, यस बिल्कुल, और दोनों टीकों की जो मुहिम है ये चल ही रही है। अब उसी में एड ऑन हो गया कि अब हम जो बच्चे हैं 15 to 17 जी, तो कब तक का टारगेट है कि यहाँ बच्चों को हम 100% वैक्सीनेट कर देंगे? नहीं, ये जो हमारा 15 to 17 यानी कि लेस देन 18 है, ये तो विद इन 10-12 डेज में हम कंप्लीट कर ही लेंगे जी। हमने स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई है, पहले माइक्रो प्लान्स बनाए, मैक्रो प्लान्स हमने बनाए, कैसे हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। हमने स्कूल, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे ACS साहब ने, जो श्री विवेक भरद्वाज जी ने जी, एक मीटिंग पूरी ली, जिसमें कमिश्नर साहब थे एजुकेशन के भी, डायरेक्टर्स दोनों थे, यहाँ के भी, जम्मू के भी, एजुकेशन के भी और हेल्थ के भी, हमारी एक कोऑर्डिनेशन टीम बनी। ये हर एक लेवल पे, प्राइमरी लेवल से ही लेके पूरा सिटी लेवल तक, हमारा मैक्रो प्लान क्या होगा, मैक्रो प्लान क्या होगा, माइक्रो प्लान्स, तो उसके हवाले से हमने क्या, ये लोगों को हमने, और जो अवेयरनेस मुहिम भी हमने स्टार्ट करी, मैं भी टीवी पे आया, लोगों को बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, हमने उनको अवेयर किया। और ये प्लान जो बने हैं, बच्चे आते रहेंगे स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स को भी हमने टारगेट किया, वहां भी हमारे 2-4 सेंटर्स आज भी चल रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करेंगे। बहुत खूब, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, ये कॉल ले लेते। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद पंडित जौरा। अली मोहम्मद पंडित साहब, सवाल पूछियो। सवाल जनाब जी ये पढ़ के सठा शुक्र गुजार के तुम्हु डायरेक्टर साहब ओतमन ये ना ये अवेयरनेस गसान से था अमे खबर से दूर दर्शन सठा शुक्र गुजार है। सठा सा शुक्रिया। नंबर आकर की इस पढ़ के ये वन यूजन ये मस जरूरत कर बूस्टर डोज दून त्रेम अल्लाह तला कने साल हो सकता है अमे जन गो सतन अठन रतन मन गो अमित अटैक जन हम क्या हेक गए पॉसिबल पत् कर हे सू बूस्टर डोज हज दी सठा सा शुक्रिया। अली मोहम्मद पंडित साहब, तुम सेठा से शुक्रिया कॉल करने वापस, सवाल जवाब बूझ तो जी। जो हमने इसके अलावा सपोज हमने क्या किया, 15 से 17 तक लेस देन 18 जी, 10th से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बूस्टर डोज जी, प्रिवेंटिव डोज जो लगेगा एल्डरली पीपल जी, मोर देन 60 इयर्स,
60 ईयर से ज्यादा जिनकी एज होगी एंड कोमॉर्बिडिटी, जैसे आपने अभी कहा किसी को हार्ट की परेशानी होगी, किसी को लंग्स की परेशानी होगी, कोई डिजीज होगा किसी को, जो भी, या डायबिटीज सीवियरली होगा, सीवियर डायबिटिक होगा कोई, बहुत जो भी है, बहुत सारों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो या इवन कैंसर सम अदर डिजीज कोई भी, तो इनको हमारे 10 से उनका भी एक बूस्टर डोज लग रहा है। और जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी ये बूस्टर डोज लगेगा। तो इनिशियली ग्रेजुअली ये, इसके बाद ही हम दूसरा ये लेंगे, दूसरा जो डिसीजन होगा उसके बाद होगा। ये जो बूस्टर डोज की बात आ रही है, ये अदर देन वो दो डोजेस के बाद 9 मंथ होने चाहिए कंप्लीट, तो उसके बाद दो डोज भी लग सकता है, दो डोज आपके 9 महीने बाद, 9 महीने होने चाहिए कंप्लीट। जी, आप अगर किसी के 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं दो डोज लिए हुए, आप उसको बूस्टर डोज लगना है, वो तो लगेगा ही, अगर लगेगा। इस दौरान वो बीमार होता है या किसी भी तरह की कोई शिकायत, उनको बेसिकली जो ऑलरेडी दो डोजेस दिए एंटीबॉडीज आर देयर, जी, उनका प्रोटेक्शन उधर ही है, जी, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा इससे कि अगर आइंदा कुछ आए तो इनको थोड़ा सा टाइम स्पैन एक्सटेंड हो जाएगा। जी, ये जो बूस्टर डोज की बात आ रही है, जो अगर हम आउटस्कर्ट्स की बात करें, वहां पर लोगों की एक्सेप्टेंस कितनी है इस चीज को लेकर कि बूस्टर डोज लगना है? नहीं, बूस्टर डोज अभी हमने जो, जैसे आपको मैंने कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 60+ हमारा जो कोविड सिस्टम है जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उनको होगा, और जो 60+ एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटीज, जी, हालांकि उनको इसके लिए कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, लेकिन इनको डॉक्टर को फोन करना है, मैं अबो 60 हूं, मेरा ब्लड ग्लूकोज ये इतना ज्यादा रहता है लेवल, मैं जाऊं बूस्टर के लिए कि नहीं जाऊं, अपना डॉक्टर इनको परमिशन देगा तो उनको बूस्टर के लिए आना है। जिनको एविडेंट होगा कि हाँ जी हार्ट डिजीज है, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या कोई भी एसोसिएटेड डिजीज, उनको तो लगेगा ही लगेगा। कोविड के दौरान जब कोविड फैला था तो हमने हेल्पलाइन शुरू करी थी, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, हाँ बिल्कुल, क्या वो आज भी एक्टिव है? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी जो डिविजनल लेवल की हेल्पलाइन है अवेलेबल है, इवन आजकल भी हमारा देखिए टेस्टिंग कितनी बड़ी हमारी, अब 30,000 to 40,000 टेस्ट पर डे अभी भी हो रहे हैं। टेस्टिंग का जितना बढ़ाने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा लोगों को टेस्टिंग होगी उतना हम अर्ली आदमी को डिटेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो फैलने में रुकावट होगी। टेस्टिंग हमारी बढ़ रही है और टेस्टिंग से यही पता चल रहा है, इसके बगैर जो हमारा ये है कि वैक्सीनेशन एंड आफ्टर टेस्टिंग जो भी हमारा सिस्टम है अदर देन दिस आल्सो, यही नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिस्टम, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मैंने सीएमओज और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुला के मीटिंग ली, जो ही ओमिक्रॉन आया तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में 20 बेड्स आइडेंटिफाई और करे जी, और अपने ऑक्सीजन प्लांट्स की ट्रायल दे दी जी, जो हमारा ऑक्सीजन सिस्टम था, हाई फ्लो डिवाइसेस जी, हमारे जो कंसंट्रेटर्स, हमारे जो बड़े या छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पूरा ट्राई दिया, उनको देखा, हमने सिस्टम को इन प्लेस रखा हुआ, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग एनी इवेंट। बहुत खूब, बहुत खूब। और भी सवाल हैं लेकिन यहाँ पर एक कॉलर मैसेज जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं कॉल। हेलो जी, अपना तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मुश्ताक अहमद दरगाह से बोल रहा हूँ। मुश्ताक साहब सवाल पूछिए। आपको दूरदर्शन को मेरी तरफ से मुबारक, बड़े अच्छे प्रोग्राम, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, टाइमली प्रोग्राम होते हैं और जो जरूरत होती है लोगों को उस लिहाज से, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग टफ टाइम जी they have done a tremendous job. Thank you very much. Without caring for their personal lives and other social things. Thank you sir. तो मेरा सवाल राठौर सिंह से ये होगा कि अब जो बूस्टर डोज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि for 10th of this month they are going to start this campaign. जी। तो थोड़ा इसको आसान अगर बनाया जाए, मतलब देर आर comorbid patients in home, लाइक मेरे पेरेंट्स भी हैं, who cannot move out for vaccination during this winter. बर्फ में यहाँ वहाँ जाना, अगर लोगों के घरों में ये होता ना, मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाता, तो मेक इट मोर सुटेबल फॉर। आई डू अंडरस्टैंड, बहुत 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका वेल टेकन योर एडवाइस, हम ये कर रहे हैं कि हम इसमें ये है कि जैसे हमने डोर टू डोर गए हम जी, आपको अभी तो हम, मैं कह रहा था हम तो पहाड़ों पे गए, बिल्कुल सही, घर जाने का कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई आ नहीं पाएगा हम उसको रजिस्टर करेंगे, बाजाबता हमारी टीम जाएगी अलॉन्ग विद द क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एंड डॉक्टर जी, ये अच्छी सजेशन है और हमने ले ली, क्योंकि अभी
फोरकास्ट है बर्फ का, हालांकि आज शाम से ही बर्फबारी का फोरकास्ट, जहां भी हमें लगे ये इट्स नॉट फॉर वन पर्सन, नो इट्स फॉर एवरीवेयर, एवरीवेयर एंड फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल सही। अगर हमें कहीं लग रहा है कट ऑफ एरिया वो हमारे पास नहीं आए, जैसे हमने सेकंड वेव में क्या किया, वैक्सीनेशन का आपने देखा, बिल्कुल घरों तक गए, घरों तक गए, पहाड़ों पे गए, हम जाएंगे, हालांकि रिजेक्शन बहुत सहनी पड़ी और उस टाइम आपको लगा कि लोगों को जो गलत रूमर्स फैलाने वाले लोग तो बड़े सारे होते हैं, उनके बहकावे में आके लोग तो कॉपरेट भी नहीं करते। आज तो हमें मतलब इन्होंने उधर से ही कहा कि अगर ये है तो आप आ जाइए, उसके लिए तो हमें ज्यादा आसानी होगी। जस्ट बस वन टेलीफोन कॉल इज एनफ फॉर अस। बहुत खूब, बहुत ही खूब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए थे कि उन्हें हम ड्रग्स फ्री कर देंगे, जिसमें फिर फाइनली 10 डिस्ट्रिक्ट शायद वो नशा मुक्त, हाँ, अंडर नशा मुक्त भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्ट किया था 1920 में। तो उसमें क्या किया कि 272 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए, आउट ऑफ 272 ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, किस किस डिस्ट्रिक्ट में पहले सर्वे किया गया कि जहां ड्रग एडिक्शन ज्यादा है तो कहां हमने सेंटर्स कायम करने हैं। टोटल अभी तक जो देखा गया लास्ट मतलब कुछ एक दो महीने पहले अगस्त में ही टोटल 10 हो गए थे, पूरे हमारे भारत में पूरे 10 हो गए, और 10 में से 5 हमने ही किए थे, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। हमने ये ATF सेंटर्स बनाए जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, उसमें कुलगाम है, अपना पुलवामा है, शुपया है, और बांडीपोरा है, बड़गाम है, और गांधरबल के लिए भी आ रहा है, इवन हमारा जो बारामूला एंड अनंतनाग है जो अब मेडिकल कॉलेज बने वहां भी वो सेंटर्स खुल रहे हैं, लेकिन हमने पूरा सेंटर्स भी खोल दिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ओके, और उनको ट्रेनिंग भी करा दी और काम स्टार्ट हो गया। बहुत खूब। हालांकि इस सवाल से मिलता जुलता सवाल एक और भी मेरे जहन में है, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए लेते हैं कॉल। हेलो हेलो हेलो, अपना तारुफ कराइए। वालेकुम सलाम जी, मैं नसरीन बोल रही हूँ हवा कदल से। नसरीन जी सवाल पूछिए जी। डॉक्टर साहब से पूछना था कि हमने 2 बूस्टर डोज लिए थे इससे पहले, सितंबर में दूसरा लिया था, इन्होंने कहा कि आपका नेक्स्ट डोज 9 मंथ के बाद आता है जी। तो आप हमें कंफर्म करना था कि इनिशियल 2 डोज जी, आपने इनिशियल 2 डोज लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड डोज इनिशियल जी जी, इनिशियल 2 डोजेस हमने लिए थे, हमें कंफर्म करना है कि ये उसी मंथ से स्टार्ट होता है कि जो पहला किया था हमने, नहीं लास्ट जो सेकंड जी। बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन जी सवाल पूछने के लिए, जवाब सुन लीजिए जो सेकंड, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है जी। नहीं नहीं, ये तो अभी हुआ नहीं जनरल पब्लिक के, जनरल पब्लिक को मालूम नहीं है इस बारे में, जनरल पब्लिक के लिए ये हुआ भी नहीं। बिल्कुल, जो हमने बूस्टर डोज रखे हुए हैं इट इज फॉर द पीपल हु आर अबो 60 इयर्स एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटी, जनरल पब्लिक के लिए अभी नहीं हुआ, और उसमें भी यही है कि आफ्टर सेकंड डोज उनके 9 मंथ्स होने चाहिए तो बूस्टर लगेगा। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कब तक हम ये बूस्टर डोज का टारगेट अचीव कर पाएंगे जहां पर हमने 60 इयर्स अबो कोमॉर्बिडिटीज के लिए है ये बूस्टर डोज, क्या लगता है आपको कब तक हो जाएगा? आपने जो देखा जो जागृति आई है जो लोगों में आपके माध्यम से या दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन बाकी लोग इस पे काम करते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि करने वाले हमारे पास बहुत है, हम रेडी है, हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास टीम्स है, हमारे पास डॉक्टर्स है, हर चीज की अवेलेबिलिटी है। पहले पहले ये रहा है कि लोग ही रिलक्टेंट थे, अब वो बात रही नहीं, हम विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ, आइए कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पनु नाव वन्यू कत पर छु बोलते वन्यू बांडीपोरा पेठम मोहम्मद मकबूल डार। बांडीपोरा पेठम मोहम्मद मकबूल डार साहब। यस सर। सवाल पूछियो। मेरा सवाल छ मैं पूछूं डॉक्टर साहब इस के लिए एमओ वन हैज वन ही है। जनाब सवाल ठीक है। आनस ये खत्म करना है जिके भी बोस्ट दो दो जमा हुए। आनस पद्म नमो ये फ्रंटलाइन वर्कर शासन तमन छीम बोस्ट दो दिन जरूरी बोस्ट दो से करते मन जी ना देख से के सी एमओ यम आसन। बिल्कुल। तो ये मैं वन तो जनाब ये फ्रंटलाइन वर्कर इन छना का लिमिट ये कम मोशन दैट आसन कि जित ये मोशन दैट सर्विस लगी बोस्ट दो फ्रंटलाइन वर्कर। हाँ, फ्रंट लाइन वर्कर्स ना 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 फ्रंट लाइन वर्कर्स
فرنٹ لائن ورکرس خاطر شیٹ ایبو کہین فرنٹ لائن ورکر یا ہیلتھ کیئر ورکر یم تہ ات سسٹمز مز کووڈ پیشنٹن ست کووڈ ہسپتالن ست کووڈ ٹیسٹنگ ست کووڈ ویکسینیشن ست چھنا انوالو تمن چھن کان تہ ایج یم یم ایجک تہ آسن یمن چھ سارنی کرن تمہ پتہ یس جنرل پبلکس مز تھت ہوت ون اس کہ یس تہ سون بزرگ آس شیٹھ وہر ایبو تہ بیس آسس کان بی ملحق دود ست سٹھا سا شکریہ مقبول صاحب سوال پرسن خاطر امید سے تہذ سوال تو جواب میولمت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے کہ جو نشہ مکت بھارت کی ہم نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں میرے سوال یہ تھا ایکچولی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کووڈ کی کووڈ نے پوری دنیا کو ایک سپیڈ بریکر دے دیا اور روک دیا اس سپیڈ کو جو رفتار تھی زندگی کی اس کو روک دیا. اسی رفتار میں ہمارا ہیلتھ سیکٹر چل رہا تھا. پھر جب کووڈ آیا تو سارا ہیلتھ سیکٹر رک گیا اور ہمیں صرف کانسنٹریٹ کرنا پڑا کووڈ پر. اس کے بعد لوگ جو باقی بیماریوں میں مبتلا تھے ان کے لیے کافی سارے وقت تک پریشانیاں رہیں, گھروں سے باہر نہیں آ پا رہے تھے یا باقی ٹریٹمنٹ نہیں کروا پا رہے تھے. ابھی جو باقی ہماری جو باقی سٹریمز ہیں یا باقی جو ہمارے پاس اسپیشلٹیز ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے ادر دین کووڈ؟ دیکھیے ہماری جو ڈیفیکلٹی آئی وہ تو فرسٹ ویو میں آئی. جی کووڈ کیا تھا کسی کو پتا نہیں تھا. اور اگر وہ اس ٹائم ہمارے پردھان منتری جی یہ ڈیسیجن لاک ڈاؤن کا نہیں لیتے تو کیجولٹیز بڑی ساری ہونی تھی, کروڑوں میں لوگوں کو مرنا تھا. وہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ تھا جی کہ ہم نے کیا کیا. اگر لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن میں ہمیں پہلے وہ بیڈز سٹرنگتھ ہم نے بڑھا دی جی, انفراسٹرکچر تیار, انفراسٹرکچر ہم نے تیار کیا جی. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے جی. وہ پیریڈ, اس پیریڈ میں تھوڑی سی دقتیں آ گئی لوگوں کو, لیکن فیوچر کے لیے وہ اس لیے اچھا رہا کہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آکسیجن از دا لائف لائن فار دیز پیشنٹس. ہمیں یہ سمجھ آیا کہ سٹیرائڈ اتنا کام کر رہے ہیں, ہمیں یہ لگا کہ یہ والا اینٹی بایوٹک زیادہ اچھا ہے, ہمیں یہ لگا کہ ہمیں یہ والا پوسچر لینا ہے. اور امیجیٹ جو مائلڈ ماڈریٹ سیویئر کیسز ہے ان کا جو گائیڈ لائن پھر آتی رہی ریپیٹڈلی, تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہو گئی. جو وہ دقتیں فرسٹ ویو میں تھی تو وہ نیکسٹ ویو جو سیکنڈ ویو تھا اس میں ہم نے بہت کوشش کری کہ نہ ہو. آپ دیکھیے میں اپنے ڈسٹرکٹس کی بات کروں گا, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم نے ایک پیرلل سسٹم رکھا جی. یہاں سے آپ دیکھیے شپیہ میں نیا ہاسپٹل جو بلڈنگ ہے اس کو تو ہم نے رکھا کووڈ کے لیے, پرانے والے کو نان کووڈ پیشنٹس کے لیے رکھا. یہی ہم نے ہر ایک جگہ کیا. یہی دوسرے ڈسٹرکٹس میں چاہے اننت ناگ ہو, اننت ناگ میں بجبرارا میں ہم نے کووڈ ہاسپٹل رکھا جی. اور جو نارمل پیشنٹس ہیں وہ پرانے والے ہاسپٹل میں رکھے جی. ایسے ہی ہم نے بارہملہ میں کیا. یہی سسٹم ہر ایک جگہ رہا جی. چلیے اگر تھوڑا سٹاف تو وہی رہتا ہے, اس میں ہم نے کچھ کنٹریکچولز لیے بھی, لیکن ہم نے کوئی سروس سفر ہونے نہیں دی. اور جو ہی کیسز کم ہونے لگے ہم نے نارمل جو روٹین سرجری ہم نے بند کری تھی ان کو بھی چالو رکھا, لیکن کوئی ایمرجنسی سروس بند نہیں تھی. ابھی اگر ہم دیکھیں ابھی ہمارے پاس کیا انفراسٹرکچر ہے کووڈ سے لڑنے کے لیے, ہمارے پاس کیا انٹیک کیپیسٹی ہے اگر کووڈ دو منٹ کے لیے خدا نخواستہ اگر یہ نہیں. اومیکران کا تو یہی ہے جو آج ہمارا کل ایل جی صاحب ایک بڑے میٹنگ لے رہے تھے اس میں یہی ہے کہ اگر زیادہ ہوا, دیکھیں ہم نے چاہے اومیکران کم انفیکٹیوٹی ہے زیادہ ہے لوگوں کو کر رہا ہے افیکٹ زیادہ لوگوں کو کر رہا ہے, کہیں ہمیں ہاسپٹل بڑے لوگوں کو ایڈمٹ نہ کرنا پڑ جائے, تو اس کے لیے ہم نے آلریڈی کیا کیا, جیسے آپ کو میں نے بولا ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہم نے واپس وہ 20-30 بیڈ رکھے, جس میں ہم نے بچوں کے لیے بھی الگ سے رکھا, جو ہماری فیمیلز کے لیے بھی الگ سے رکھا جی. اور جنرل کووڈ بیڈز بھی ہم نے رکھے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آکسیجن سسٹم ہم نے ریوزٹ کیا جی. آج آپ کو میں بولوں گا میں نے جی ایم سی اور ریفریشر ٹرائی کورس کے لیے ان کو جو بھی آئی سی یو میں کام کرتے تھے لاسٹ ٹائم ہم نے ان کو سری نگر میں ایس ایم ایچ ایس کا جو ہمارا اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ہم نے پوسٹنگ کی, ان کو ہم 15 کی ریفریشر ایک ٹریننگ دیں گے جی. اگر ہمیں پیشنٹ آیا کیسے چلانا ہے, آکسیجن کیسے لگانا ہے, وینٹیلیٹر کے ساتھ کیا کرنا ہے, دوسری تیسری ایون اس میں پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز ان کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں جی. تو وہ یہ والا سارا سسٹم پھر پیریفری میں جائے گا, اگر وہاں پہ ضرورت لگے دے ول بی ریڈی ود ایوری تھنگ. کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر بیچ میں گیپ ملا 6 کا اس کو وہ پیشنٹ نہیں آئے شاید بھول مت گیا ہوگا, تو ٹریننگ سر گوئنگ آن جی ٹوڈے آج بھی جی.
पहले पहले जब कोविड फैला, फर्स्ट वेव जब आया, कश्मीर को हिट किया, तो तब हमारे पास इमीडिएटली कोविड वेलनेस सेंटर्स तैयार किए गए थे। अब वो कोविड वेलनेस सेंटर्स को वापस, देखिए ये 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 ये, ये सिस्टम्स होते हैं। एक तो हो गया सीवियर पेशेंट है जी, उसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आना ही आना है, बिल्कुल। कैटेगरी होती है पेशेंटों की, फिर माइल्ड टू मॉडरेट जो होगा जी, सीवियर हो गया तो टर्शरी लेवल पे आना है, वहां शायद वेंटिलेटर भी लग सकता है, वहां उसको दो चार अगर कोई कोमॉर्बिड केस होगा उसको तो आना ही आना है, हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। उसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आसानी से इजिली विद ऑल अदर ऑक्सीजन जो सिस्टम हमारे हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन है, इवन नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, नॉट इन्वेजिव, या और भी कोई जो चीजें वो हम वहां भी कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, जिनको हमने इस साल पूरा जो आइसोलेशन घर में ही रखा। आप देखते थे जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होगा, जिसको कोई सिम्टम नहीं हो, जिसको बहुत ही माइल्ड केस होगा, ऑक्सीजन लेवल 90 से अबो होगी, जैसे हम उन दिनों भी कहा, रोज ही कहा करते थे लोगों से, उनको हमने घर में रखा और कॉल सेंटर से उनको हम मॉनिटर करते थे। अगर कभी भी कोई परेशानी लगती थी, डेड ऑफ द नाइट, 2 बजे शिफ्ट करना था, एम्बुलेंस घर जाती शिफ्ट करती तो हॉस्पिटल आती। तो ऐसी जो कैटेगरी वो वाला जो आप कह रहे, जो पंचायत बेड्स भी हमने फिर लास्ट में किए थे, वो LG साहब की डायरेक्शन थी कि रूरल एरियाज में उनको लगा कि घर में इतनी फैसिलिटी नहीं होती, कि एक गरीब इंसान के पास अगर फैसिलिटी ना हो, कोई अलग से कमरा नहीं होगा, अलग से वॉशरूम नहीं होगा, तो वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल प्रोग्राम था फॉर पेरिफेरीज, कि वहां हम कुछ बेड्स, कहीं आइसोलेटेड बेड्स रखे फॉर दीज माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स आल्सो। तो उसके उसके जो ही हमने स्टार्ट किए, एडमिशन थोड़े होने लगे, फिर उसके बाद केसेस काम आने लगे, तो उसका काम काम हो गया जी। जहां कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन का बड़ा अहम रोल था, वहीं बिल्कुल बिल्कुल वहीं हॉस्पिटल्स में बेड्स, हालांकि वेंटिलेटर्स की भी जरूरत पड़ी। मेडिसिन की जहां तक बात है, कहीं कोई गलत हुई नहीं, आज भी नहीं है। आप देखिए अभी ये ओमिक्रॉन का आना ही था, तो दूसरे दिन ही LG साहब ने मीटिंग ली, पूरा CS साहब इसके पीछे ही रहते हैं। तो हमने क्या किया, बफर स्टॉक्स हमने रख दिए। आप देखिए टेस्टिंग, आप पहले तो 20,000 होती थी, 15,000, आज 40,000 तक टेस्टिंग पहुंची। उसमें जो सामान सारा लगता है ये तो कंज्यूमेबल है, ये कहां से आता है, रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, इवन बफर स्टॉक्स रखे। अगर हमें लगा, आप देखिए विंटर होने से पहले, विंटर होने से पहले जो भी कट ऑफ एरिया, जैसे गुरेज है, बिल्कुल 6 महीने तो उधर गाड़ी नहीं जाएगी, या कोई और टंगडा दूर दूर जो इलाके हैं, हमने पहले ही वहां सप्लाई शिफ्ट करा दी, वहां किसी चीज की किल्लत नहीं होगी 5 महीने के लिए। उसके बगैर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, वहां जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर या तहसील का हेडक्वार्टर है, जो भी उधर एरिया है, उधर हमने बफर स्टॉक भी रखा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखे हैं, इवन हमने जो बल्क एंड मीडियम एंड स्मॉल सिलेंडर्स रखे हैं, उसकी कोई किल्लत नहीं होगी, ना आज तक हुई। आपने नहीं देखा कि कहीं भी, अगर पूरे दुनिया में आपको लगा होगा कहीं पे बेड के लिए मरा कोई, खुदा ना खास्ता कोई ऑक्सीजन के लिए, लेकिन यहां वो प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ कट ऑफ एरियाज हमारे हैं जहां पर हम ऑलरेडी स्टॉक भेज चुके हैं, वो एरियाज को आप मॉनिटर कैसे करेंगे? हाँ देखिए, हमारा जो उधर हमारे लोग तो रहते हैं जी, वहां एक कट ऑफ नेवर मींस कि वहां कोई होगा नहीं जी, वहां लोग रहते भी है, वहां मेडिकल के डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिक्स भी है, इवन वहां के लोकल पुलिस भी है, वहां का रेवेन्यू वाले भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां ही रहती है, और पूरा जो है, अगर कभी हमें ये भी लगे कि सपोज हमने अब टर्शरी केयर लेवल कहीं जरूरत लगेगी, तो जो चौपर हमारे हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, और मैं LD में जब था आप भी आते थे मेरे पास, हमारे तो मुझे लगता है विंटर में 2, 4, 5 पेशेंट जो ज्यादा सिक होते थे तो उनको हम लिफ्ट करके यहाँ ले आते करवाते थे। गवर्नमेंट के पास क्या, हमारी प्रायोरिटी जो है ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ का वैल्यू है, बाकी किसी चीज का है नहीं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, दवाइयों की जहां बात आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी थी कि जेनरिक मेडिसिन पे हमें शिफ्ट होना चाहिए, जेनरिक मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहिए, ये चीप भी हैं और एफिकेसी भी बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर साहिबान जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। बहुत सारे हमारे दोस्तों की शिकायत ये है कि डॉक्टर साहब एक पर्टिकुलर ब्रांड लिखते हैं और वो ब्रांड हमें बाजार से खरीदना पड़ता है, और अगर हम जेनरिक स्टोर पर जाते हैं उनके पास उस ब्रांड का एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इसमें सॉल्ट क्या क्या है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जन औषधि ये प्रोग्राम बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है जी, प्रधानमंत्री जी का जो ये बहुत ही अच्छा। पहले मैं एक बात क्लियर आपको बोल दूं जी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जेनरिक
एंड ब्रांडेड वन, आप बोलेंगे कैसे जी? ये पैरास्टामॉल टैबलेट है, जेनरिक वाला ले लेंगे तो एक रुपए का है, बिल्कुल बाजार से ले लेंगे तो बीस रुपए का पड़ेगा, क्यों फर्क है? आप बोलोगे एज ए लेमैन जी, मैं आपको बोलता हूं नहीं है इसमें अगर फर्क है वो बीच के कमीशन का फर्क है, कमीशन इन द सेंस मार्केटिंग जी। मार्केटिंग में ये आता है कि पहले उसका सैंपल आएगा वो कहां से निकलेगा, इसी में से फिर इसका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जी। आप देखिए यहां अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कहीं पहले मेडिकल रैप होता है MR जी, यानी कि इसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो डॉक्टर के पास आता है, ये जी लिखो जी। उसकी उसका तनख्वाह कहां से निकलेगा, उसके बाद इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते, जोनल लेवल के ऑफिसर होते, पूरा ले 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 रीजन के ऑफिसर होते, फिर पूरे यूटी का ऑफिसर होगा, यानी एक चेन है जो यहां से जाती है जी। यानी कि लोगों को बोलने के लिए जी आप ये दवाई ले लो, ये दवाई लिख लो, ये उसको सिस्टम जो है, उसके बाद जो उधर से आती है दवाई पहले सुपर स्टॉक हो गया जी। जो पूरे हमारे इंडिया के लिए होगा, उसके बाद नॉर्थ एरिया के लिए एक होता है, उसके भी पैसे उसमें आ जाएंगे, उसके बाद आपका यूटी लेवल का होगा, उसके बाद हमारा कश्मीर का अलग, जम्मू का अलग डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो ये सारे मुफ्त में काम करेंगे नहीं, बिल्कुल। उसके बाद आपका आता है रिटेलर तक ये पहुंचते पहुंचते इधर का कास्ट और उधर का जो ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक्स्ट्रा होती है, बाकी दवाई में ना एफिकेसी में फर्क है न क्वांटिटी में न क्वालिटी में जी। लोगों से ये गुजारिश रहेगी, आप देखिए आज हम ही देखे कितनी बेहतरीन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, लेकिन हम ही इसमें रुकावट बने बैठे हैं, बिल्कुल। मेरा भी फर्ज बनता है मैं लोगों को समझाऊं, वो हमारे एक्सपर्ट्स के पास आए, कोई फर्क नहीं है जेनरिक और ब्रांडेड में, कोई फर्क नहीं है, बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों इक्वल है, बराबर है, जो पैसा बचता है बीच का वो सिर्फ मार्केटिंग का है, बिल्कुल सही। लोगों से गुजारिश रहेगी वो ये ले ले, आप भी अभी हमारी बात अभी चल रही थी, हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि अपनी मेरी मदर की बात मदर था, की बात की आपने कि हम मैंने वो भी लाया, फिर मैंने जेनरिक किया, आपको कोई फर्क नहीं लगा, बीपी को उसने भी कंट्रोल किया, इसने भी किया अच्छे तरीके से, दोनों ने किया, यही गुजारिश रहे कि वो ले लें। और आप देखिए हर एक घर में आज तीन तीन बीमार होते हैं, यहाँ किसी को डायबिटीज होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, या दो दो चीजें एक साथ होती है, एल्डरली होते हैं, कमाने वाला एक ही है, क्यों हम महंगी दवाई ले जब कोई फर्क ही नहीं है? और जब और हमारा देखिए अगर हम हमारे अपने लोग हैं, हमारा आप यकीन कर रहे हो कोई फर्क नहीं है, आप ये दवाई ले लें, हम गारंटी देते, वी आर द एक्सपर्ट्स, बिल्कुल सही, हमारे डॉक्टर से हम है, हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए, ऐसा थोड़ी होगा, बिल्कुल सही, जो इसमें बचता है मार्केटिंग का बचता है, बाकी दवाई सेम, बिल्कुल सही। और यहाँ नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ हालांकि मेरी मदर एक दवाई लेती है ब्लड प्रेशर के लिए, ऑलमिसार्टन जिस केमिकल का नाम है, ऑलमिसार्टन 20 लेती हैं, उसके ब्रांड नेम बहुत सारे हैं, और जब मैं ब्रांड नेम के साथ दवाई लेता था तो वो कहीं 136 रुपए की स्ट्रिप आती थी, 136 रुपए की स्ट्रिप आती है मार्केट से, और आज जब मैं उसी दवाई को मैंने एक बार जेनरिक स्टोर से खरीदा तो वही ऑलमिसार्टन 20 मुझे 16 रुपए का स्ट्रिप मिला, पहले 11 का था अब 16 रुपए का हो गया, अब आप खुद ही देख लीजिए 136 एंड 16। अच्छा आप मुझे ये बोलिए तो कोई फर्क कोई लगा फर्क आपको? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, एफिकेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अक्सर मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को, जो मिलने वाले हैं उनको भी ये कहता हूं कि आप जेनरिक मेडिसिन ले लीजिए, क्योंकि इसमें एफिकेसी में कोई फर्क मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, तो आप भी ट्राई करें, अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से बात कर लें, और जब भी आप दवाई लें तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप जन औषधि की ही दवाई ले रहे हैं। नहीं, उसमें मैंने तो समझा दिया, बिल्कुल, इसमें कोई रैकेट साइंस तो है नहीं, अगर आपने समझना है जी मैं इनको कह रहा हूं ये मार्केटिंग वाला पैसा कम होता है, बिल्कुल, जैसे वो एमवे स्कीम है डायरेक्ट यहां से बना और कस्टमर तक पहुंचा, बीच का मार्जिन खत्म हो गया, मार्जिन खत्म हो गया, बिल्कुल, और वही ज्यादा होता है, वेरी नाइस। यहां पर एक और कॉलर हमारे साथ ये लेते हैं कॉल, हेलो हेलो, अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम सर, तो ये ठीक पड़ी तो ये बनू नाव पन कट पेट्रो बोला, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, नाव है तौसीफ हम नीर शांग अंतराग तौसीफ सर, सवाल पूछियो आन गोचिल वाले, शुक्रगुजार डायरेक्टर साहब, इंक्लूड वाले एक्टिव है कोविड में आनस वाले, शुक्रगुजार ही सर, शुक्रिया तुम कॉल करने बाबा, सवाल पूछियो आन सवाल जो समान के वारी हम पेशेंट हम चाहतन पनी पेशेंट पनी स्टूडेंट यहां पनी जॉइनकार मन हॉस्पिटल में आनस तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मिलान, अच्छा वायरस बाकी पेशेंट चाहता उछान ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन पेशेंट गए हॉस्पिटल में सठा सठा शुक्रिया तुहन कॉल करने बापत, तो यूस तो मुद्द छोड़ू इशू बड़ा अहम मुद्द अस पर करो जरूरी का, हां बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, मुझे एलडी में यही होता था जी, ऐसे उस गसा नहीं के डॉक्टर साहब मैं आज सिफारिश
مےٚ دوٚپ سُفٲرِش کیٛاہ چھِ؟ فرق چھنہٕ کٕہٕنۍ پٮ۪وان، یہِ چھُ یِمن پانس باسان. وٕچھِو میون کلنِک، میرا کلنِک تب چلے گا جب میں اچھا ڈاکٹر ہوں گا. جی بالکل. مجھے یہ مجھے اپنے پیشنٹ کی فکر اس کے گھر والوں سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل. یہ گژھے ٹھیک گژھن، چلو میون گژھے نام نیرن. بالکل. اکھ ٹین میں نا بیٚیہِ چھُم أتھۍ پٮ۪ٹھ رِزِک تہِ. بالکل صحیح. میون گژھے نام نیرن، بیٚیہِ یِم کلنِکس پٮ۪ٹھ زیادٕ، مےٚ گژھن پونٛسہٕ تہِ بنٕنۍ. اسہِ چھُ یہِ رِزِک تہِ ہمارے لیے، چاہے ہاسپٹل میں ہے، چاہے کلینک پہ ہے، چاہے شاپ پہ ہے، ایک پیشنٹ ہمارا رزق ہے. اور رزق خدا کے بعد جو رزق کے وسیل در ہوتا ہے وہ تو یہی ہے. بالکل صحیح. ہم کیوں ایسا کریں گے کہ ایک ایسا نہیں ہوتا ہے. اب یہ کسی کو بس آنتے اہن حظ وی کور میں ڈاکٹر صاحب فون امہ سب کیا گھر ٹریٹمنٹ پروٹوکال بنت کل دس لگ سپوز پیرسٹمال اگر سفارشی بہ دمات وورن وہ کبھی نہیں ہوگا. سر شکریہ. نہیں نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. اور کہیں نہ کہیں ایک وہ وی آئی بی سنڈروم ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ہو جاتا ہے. ایکچولی جب آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اگر آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ مجھے سفارش پہ جانا ہے تو آپ کا ٹریٹمنٹ مارا جاتا ہے. ہاں وہ وی آئی پی سنڈروم آپ نے بھی دیکھا جس کو ایکسٹرا کیئر، اس کو سپریٹ کمرے. وہ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اٹینڈنٹ اپنی یہ چاہتے ہیں اپنے آرام کے لیے جس کو سائڈ روم دو. نہیں تو اگر 10 پیشنٹ ایک جگہ ہے، آئی سی یو ادھر ہے، 24 آورس وہاں نرس ہے، ڈاکٹر ہے، وہاں رہنا چاہیے کہ سائڈ روم میں رہنا چاہیے؟ بالکل صحیح. اپنی آسانیاں ڈھونڈو گے تو پیشنٹ مارا جائے گا. خدا کا خاص پیشنٹ مارا. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ یہ لیتے ہیں کال. ہلو 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 ہاں ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں جانا چاہتا ہوں کووڈ پازیٹیو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آکسیمیٹر پرووائڈ کیا جاتا تھا جو مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرتا تھا، کیا ان کو پھر واپس دینا پڑتا تھا آکسیمیٹر یا نہیں؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے، آپ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو نام بتائیے. میرا نام سجاد ہے، میں وارانسی ہوں. سجاد صاحب بہت بہت شکریہ سوال پوچھنے کے لیے. سجاد صاحب میں تھوڑا مجھے یہ سمجھ نہیں. جی انہوں نے سوال پوچھا کہ پہلے ڈپارٹمنٹس ایک جو بھی کووڈ پازیٹیو پیشنٹس ہوتے تھے انہیں ڈپارٹمنٹ آکسیمیٹر دیتا تھا آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے تاکہ وہ مانیٹر کرتے رہیں اپنا ایس پی او ٹو لیول جو ہے. لیکن کیا وہ آکسیمیٹر بعد میں واپس دینے ہیں ڈپارٹمنٹ کو یا وہ پیشنٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ نہیں نہیں ہمارا کیا ہوا، جو بھی وہ کٹس بنے گئے جی یہاں ہی بنائے گئے ہم نے. وہ ایل جی صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ رورل، آپ دیکھیں گورنمنٹ کتنا سمجھتا ہے جی، کہ رورل ایریا میں اگر آپ دیکھیں کہ پلس آکسیمیٹر اس کو 10,000 کا ملے گا جی ٹھیک ہے، یا 5,000 کا ملے گا، اس کو دوسرے یہ بھی فری دو، دوائیں کی کٹ بنی اگر گھر میں ہے گھر میں بھی فری دو جی. یہ ان کو فری مل رہا ہے، ان کو واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اٹ از فار دا پیپل اینڈ فار دا پیشنٹ جی. اس میں کوئی اگر خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی پازیٹیو آئے گا، اس کو گھر میں مانیٹرنگ کی ضرورت ہوگی، اس کو پلس آکسیمیٹر بھی ملے گا اور جو بھی دوائی ہوگی وہ بھی ملے گی. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ یہ لیتے ہیں کال. ہلو ہلو ہلو. آداب 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 بٹ صاحب سوال پوچھیے. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں میں نے لیٹ میں تھوڑا سا سن رہا تھا جو ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے جی. ہاں ہاں یس 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 I was listening جی. About the doctor صاحب اور باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں to be precise جی. Precaution is better than cure. میں نے 10 بار کیا ان کو جو بالے پہلے پینلسٹ بھی آ رہے ہیں ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں لوگوں کو پریکاشنری میجر پہلے دیٹ از 75% سیفٹی. بالکل. ہمارے میں ایک چیز ہے میں آئی وانٹ ٹو سے آئی ایم ویری کانشیس اباؤٹ دی ہیلتھ بیکاز آئی ایم کالنگ یو ڈیلی. جی یہ چیز ہے کہ ہمارے میں نے دیکھا ہے آئی ایم ٹیلنگ یو دا گراؤنڈ ریئلٹیز ناٹ ابھی میں دکاندار ابھی سبزی والے بیکاز آئی ایم موئنگ اینڈ سوشل ایکٹیوس موئنگ ٹو ایوری ویئر تو وہاں میں نے کسی کو ماسک نہیں. ہاں اگر ایک چیز ہے ہمارا آنریبل پرائم منسٹر صاحب بولتے ہیں بہت مگر ایکچولی آئی وانٹ ٹو چل ہی از ٹیلنگ ٹو دا پیپل گیونگ ہم پریکاشن میجرز بٹ ویل ویئر پیپل کین انڈرسٹینڈ بیٹر. جو پیپل ہے جو یہ کرتے ہیں نا ریلی تو دیکھو کتنے لاکھوں ہیں چاہے اپوزیشن وہ خود نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں دی آور لیڈرز اٹ از انفارچونیٹ تھنگ. جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر چلتے ہیں جب وہ یہ بےچارے سادے سادے گاؤں میں جب پرائم منسٹر ہمارا نہیں لگا تو ہمیں کیا ہو جائے گا جب پھر ہوتا ہے تو پھر پتا. آئی ریسپیکٹ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ فار ایوری بیڈ ایون ڈاکٹرز آئی ہیو سین سو مینی ڈاکٹرز
lady doctors, they are not care, they are also careless. Because I see, I do myself two masks on my face daily right from 19 when it started. One should be conscious. Why to go after the medicine, the generics or the high antibiotics? Next is, I love to respect the President of United States of America, जिसको मैंने मैं आम न्यूज और चैनल देखता हूँ. आई रेस्पेक्ट द बाइडन. बाइडन इज वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने देखा वो चाइना प्रेसिडेंट, रशिया प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, दे आर केयरलेस. आई टेल एवरीवन दैट बाइडन इज रियली द ग्रेट मैन. आई अवेट हिम. मेरे ख्याल में डॉक्टरों को भी, मैंने बहुत डॉक्टर जुड़े, वो भी है केयरलेस. बट वन शुड टेक केयर एंड दे कैन गिव सजेशन टू जनरल पब्लिक. थैंक यू बट सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग. जी, तो बट साहब ने इशारा दिया. नहीं, नहीं, बट साहब ने बहुत अच्छा कहा. देखिए, कुछ चीजें मुझे, कल मैं गया एक ट्यूशन सेंटर में जी, तो बच्चे उठे, न्यू ईयर है तो उनको नहीं बोल रहे हो, हमें यहाँ बोल रहे हो. मैंने कहा न्यू ईयर कोई आपका कंपलसरी जाना नहीं है, आपको किसी पार्टी में कंपलसरी जाना नहीं है, आप किसी गैदरिंग में जाओगे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूल अगर हमने खोल दिया, आना जरूरी है, जरूरी है, ट्यूशन सेंटर पे आना जरूरी है. जो ये भट्ट साहब कह रहे हैं, वेल टेकन, इट्स ऑल राइट, लेकिन हमने खुद भी ये लेना है जी. ये डॉक्टर कहे तभी लेंगे. क्यों तब लेंगे अगर आप दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट नाउ. Everybody knows this simple precaution is there. कोई बड़ा कुछ नहीं करना है, आपने एक मास्क मुंह पे रखना है. यहाँ हमने बात करनी थी, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी थी, तभी हमने इतना डिस्टेंस रख के ये उतार दिया ताकि हम लोगों को अपनी बात कह सके. इसमें यह है कि हमारा भी कोई फराइज है जी. हमने परसों एक डिसीजन लिया था. मैंने सीएस साहब को बोला, क्यों ना हम ड्राइवर को जुर्माना करें, कंडक्टर को, क्योंकि वहां ज्यादा होती है. गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश करती है. ऑफिस में हमने देखा लाखों हमारे जुर्माने हो गए, लेकिन लोगों को खुद भी सोचना है. अगर करोड़ों का जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, अगर आपके मेडिसिन लगे, किसी चीज की किल्लत गवर्नमेंट ने नहीं रखी, एक आधा चीज हम खुद ही करें जो हमने ही करना है. हाँ, बिल्कुल. और देखिए, मुझे आपको बोलना है प्रिकॉशन ले लो, आपको खुद को नहीं कहना कि आप प्रिकॉशन लो, बिल्कुल सही. उठा और ले लिया. और इतना इसमें मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी चीज है सस्ती जी, गरीब से गरीब अमीर से अमीर ले सकता है. एक कपड़ा ही रखना है, क्या करना, बिल्कुल सही. सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना है. जी. जाना पड़ा तो डिस्टेंस रखनी है, बिल्कुल. हैंड हाइजीन रखना है, करना क्या है. दीज आर एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो ये है, बहुत कामयाब ये साबित हुई, बिल्कुल सही. इससे बहुत सारा जो बचे लोग तो इसी से बचे, बिल्कुल सही. और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये भी हमें मानना पड़ेगा कि अगर मैं मास्क नहीं पहनता हूं तो मैं खुद का जिम्मेवार हूं, लेकिन अगर मुझे आपसे बचना है, आप मास्क पहने ना पहने, लेकिन मैं तो पहन लूं. जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं पहनते, वो अपनी जिंदगी को, लाइफ को रिस्क. नहीं, 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 अगर अगर देखा जाए, डॉक्टर्स तो पहनते हैं, हम तो इन्हीं पेशेंट्स में होते हैं. देखिए, सपोज अब डॉक्टर रेस्ट रूम में आए, चाहे तो पीनी है, वो बिल्कुल उस टाइम उतार लेगा, कान से तो नहीं ना डालेगा, बिल्कुल सही. उस टाइम उसको उतारनी है या थोड़ा डिस्टर्ब, अगर कोई इसके बगैर भी कोई ये नहीं लेता है प्रिकॉशन, लेकिन हमारी यही गुजारिश उनसे वो ले ले, सब हर कोई ले ले, बिल्कुल सही. यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ, आइए लेते हैं एक और कॉल. हेलो 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 जी, अपना तारुफ कराइए. वालेकुम अस्सलाम, अपना तारुफ कराइए. सर, मेरा नाम अब्दुल गनी है. अब्दुल गनी साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मपोरा चंदारा से सर. वनियो वनियो सवाल पूछियो. अहन आज मे दवाइसोलेशन मोजी दवा मानान, मगर डॉक्टर मानान जनाब. मे वन तो तुम कत डॉक्टर कमिस डॉक्टर कौ ग हॉस्पिटल मानते नहीं है जेनरिक मेडिसिन को लाना या उसको कंज्यूम करना. आप देखिए, हमारा जो हमने लास्ट टाइम शुक्रिया जेनरिक दवा यह बराबर तूत बराबर तूत इफेक्टिव यूत बाकी दवा अच्छा कहीं फर्क क्वांटिटी मज क्वालिटी मज कु चीज मज फर्क सिर्फ जन हुछ रेटस ज्यादा रेटस कम सूच अमूब कम तो अत मज मार्केटिंग
یہ زن ایڈورٹیزمنٹ آن سیمپل وغیرہ آس سو اتم بچان باقی اچھا دوا کہیں تہ فرق تھی کات ون تھی نیو جنرک دوا ہماری ذمہ داری پہ لے لو ہم ایکسپرٹ ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہیں پریشانی گھس نا تم سی ڈاکٹر صاحب سو چھو کیا وجہ چھو کہ آج تان ہوک نہ ڈاکٹرو یوس تہ پرسکرپشن تم لیکھان چھ تم چھ کہ برانڈ نیم سے دوا لیکھان کیا وجہ چھو کہ ڈاکٹر چھ آج تان ہیکان لکھتی کہ تم لیکھان سالٹ نہ وچھو وچھو اکھ سسٹم یل چینج آس کرن پچھلے 30 سال سے 30 وری آسن 70 وری کان سسٹم اچ چلان نو سسٹم اچ تھوڑا ٹائم لگان چاہے یہ کت آسن کت کن تہ آسن ات لگہ تھوڑا ٹائم مگر چھ بڑ بیسٹ سسٹم ڈاکٹرن تہ ون اس یمہ رات پتمہ رات زن سن اے سی ایس صاحب اک مہم کر سٹارٹ ویویک بھردواجی نے ایک مہم سٹارٹ کری ہم نے ژتجی پہ بنائی اتنی 100 سینٹرس 100 ایبو جن اشدی سینٹر ہر کن سی ایس سی ایس پہ ہر کن ڈسٹرک ہسپتال مز ہر کن جائے آئی دستیاب کرنے امی موجود بیہ آو لکن یہ ون سن اویرنس پروگرامز تہ آئی کرنے یت مز یہ کلیئرلی ایکسپرٹ انمت سینئر ڈاکٹر انمت ایکسپرٹ یمو زن یہ ون یہ ہسا دوا بالکل فسٹ کلاس اتن پرابلم کہیں تہ اگر اتھ صرف ریٹس مز فرق سو چھ مارکیٹ بالکل صحیح بیاکھ کالر چھ اسہ ولی دمو بیاکھ کال ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم صاحب کتنے پہ چھو بولن جی میرا نام فیاض ہے میں ٹنگ مرگ سے بول رہا ہوں فیاض صاحب سوال پوچھئے جی سر سوال تو نہیں ہے آپ اس کو ایک سجیشن مان لیجیے جی پلیز ویری گڈ جی جینرک میڈیسنز کے حوالے سے آپ نے جو بات کی دو کالرز کے اوپر آپ نے ڈسکس کیا اس کے لیے میں بہت شکریہ کرتا ہوں جی سر جیسے آپ نے اپنی مدر کے بارے میں بولا کہ 100 کی کچھ کی آتی تھی مجھے دوائی اور سیم میری مدر کے ساتھ ہے جی وہ ٹیلی کو ٹیک کچھ دوائی کھاتی ہے تو 100 کچھ آتی تھی اس کی دوائی جی جی تو میں بھی آج ہی میں ہاسپٹل میں تھا ڈسٹرکٹ جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہمارا ٹنگ مر گئے جی تو ادھر میں جینرک میڈیسن لیتا ہوں سر اور صرف 20 روپے کی مجھے وہ پتی مطلب وہ ٹکیا آتی ہے مطلب اسٹرپ ایک آتی ہے جی ٹھیک سر میں سب سے پہلے ریڈیو دور درشن جو آپ کا مادھیم ہے یا ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بیٹھے ہیں ان سے میری یہ موتبانہ گزارش ہے کہ پلیز اینڈ پلیز ایک ہماری مطلب ریسپانسبلٹی بنتی ہے آپ کی اور جو میڈیا کی بھی کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے سورسز کو یوٹیلائز کریں جو جنرلسٹ میڈیسن ہمارے ان کو آپ عام لوگوں کی طرف مطلب ان کو آپ اویئر کریں سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم کوئی بھی جو چیز ہے اس کو ہم پھیلا سکتے ہیں بالکل صحیح اور سر اس کے لیے تھوڑا ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے چاہے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس وقت یا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب مانے جن کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو یہ غریب عوام ہماری جو لٹ رہی ہے مطلب دوسری دواؤں کے نام پہ جیسے آپ نے خود اپنی ماں کی مطلب ایگزامپل رہے میں خود کی اپنی ماں کی ایگزامپل دے رہا ہوں اگر یہ ہر ایک انسان کے پاس پہنچتا نا شاید یہ مطلب بہت سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہماری طرف دیکھیے جو آپ کا پریکٹیکل ہے نا کہ آپ نے خود یہ دیکھا آپ تو ایک ایمبیسڈر بن سکتے ہو آپ خود بول سکتے ہو دس لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ہزار لوگوں کو بتا سکتے ہو آپ جب آپ نے میں تو بول رہا ہوں آپ نے پریکٹیکلی دیکھا مدی صاحب نے پریکٹیکلی دیکھا ان کو کوئی فرق نہیں لگا آپ بھی بولیے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سبھی کریں گے اور انشاءاللہ یہ سسٹم آئے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم کافی دیر سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز آج کل ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس جو ہوتی ہیں پرائیویٹ پریکٹس میں ہر کسی ڈاکٹر نے اپنی ایک فیس رکھی ہے کہیں پر کوئی 200-300 روپے فیس ہے کہیں پر 200 روپے فیس ہے کہیں 250 روپے ڈاکٹر کی فیس ہے کہیں 500 روپے ڈاکٹر کی فیس ہے یہ الگ الگ فیس سٹرکچرز ہیں کیا اس کے لیے کہیں پر ڈائریکٹریٹ نے کچھ یہ ایم بی بی ایس کا جو ہے سپوز کوئی ایم بی بی ایس ہے کوئی ایم ڈی ہے کوئی ڈی ایم ہے یہ ایز پر ہز اسپیشلٹی اور یہ ہے اور اس میں جو ہم نے رکھا ہے بیسک منیمم جو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے باقی جو باقی چیزیں جو آ رہی ہے اس پہ گورنمنٹ ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ میکسیمم یہ جو منیمم سلیب میکسیمم ہم رکھ سکتے ہیں سپوز کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہ جی 50 سے زیادہ نہیں لینا چاہیے چاہے کتنی بھی پریکٹس میکسیمم سلیب سیٹ ہو جائے اس میں یہی ہوتا ہے کہ پی ایچ چھنو بورڈ یا کین چھنو بورڈ بالکل صحیح تو ہے طرح فکر ادروائز کونی ڈگری بالکل سوری سسٹم جازن کو نہیں کرمت ڈاکٹر جازن ایم بی بی ایس کرمت اکوٹ سائر ہوئی بالکل ایم ڈی آسن چھ اکوٹ کرمت اب جب آپ زیادہ جاؤ گے تو وہ کہیں پہ یہ ریٹس کا ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے اور جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے تو ایکشن ہو جاتا ہے ہم نے منیمم سلیب
रखी हुई है, इसको हम रिविजिट भी कर रहे हैं। और इसमें हम और एक बात आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका भी एक नया रेट लिस्ट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जी, इन्वेस्टिगेशन तो ये बंदिश रहेगी, बिल्कुल कुदरती बात है, आपका कोई 10 रुपए इसी टेस्ट में ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, टेस्ट सेम ही है, बिल्कुल कोई 100 भी ले रहा है, मिनिमम कास्ट उसका 5 रुपए टोटल है, ये हम वर्कआउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे रिवाइज्ड रेट्स निकाल रही है, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जब एक डॉक्टर साहिबान अपने क्लिनिक पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनने अपने क्लिनिक पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी रखा होता है छोटा मोटा, कहीं ना कहीं उनने अपनी फार्मेसी भी रखी होती है, और फिर वो दवाइयां उसी हिसाब से लिखते हैं जो उनकी फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं, मोस्टली ये हमने देखा है प्रिस्क्रिप्शन नहीं में। आप ये जो जन औषधि का जो आप कह रहे हैं ये तो हम कंपलसरी बनाएंगे प्राइवेट उसमें भी, बहुत खूब। मेरा एक यही आइडिया मैं गवर्नमेंट से शेयर किया अपने ACSR के साथ, मैंने बात की हम प्राइवेट में भी ये रख देंगे जी, ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें बड़ा कोई अलीजान डॉक्टर अलीजान जैसा ट्रीट कर रहा है, लेकिन दवाई तो वही है, बिल्कुल सही, दवाई में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं छोटा डॉक्टर नहीं, बड़ी दवाई नहीं छोटी दवाई नहीं, दवाई तो सेम है। देखिए कहीं वो काउंटर्स तो हम वहां भी स्टार्ट करेंगे जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये चीज शायद तभी सॉर्ट आउट होगी कि अगर हमारे डॉक्टर साहिबान सॉल्ट लिखना शुरू करें, वो ब्रांड नेम ना लिखें, अगर वो लोग केमिकल्स का नाम लिखकर भेजें एक पेशेंट को कि आप ये सॉल्ट आपने लेना है, जैसे मैंने अभी बात की ऑलमिसार्टन की, ऑलमिसार्टन जी आपने 20 लेना है, फिर वो आप ऑलमिसार्टन जनशू से खरीदना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, यहां आप कहीं और कहीं से खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहीं से डॉक्टर जब आप ब्रांड नेम देते हैं, ये तो अब हमने मैं आपको यही कह रहा हूं कि सिस्टम चेंज होने में थोड़ा टाइम लगना है जी, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम नियर फ्यूचर में हो ही जाएगा जी, डेफिनेटली। जो डॉक्टर साहब जो अभी जो हमारे देखने वाले हैं जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इस प्रोग्राम से फायदा उठाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हम सब लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं, डॉक्टर नहीं है लेकिन बीमार तो हम सब लोग हैं, हम बीमार नहीं हैं तो हमारे घर वाले तो डॉक्टर आपको भाई है, मेरा बेटा है, बिल्कुल हम सब एक है, एक है, बिल्कुल सही, यही हमने समझना है, बिल्कुल जब हम ये समझेंगे हम एक ही है, बिल्कुल ये कि आज पेशेंट आप हो तो डॉक्टर मेरा बेटा है, बिल्कुल कल पेशेंट मेरा बहन होगी तो आपका भाई डॉक्टर होगा, बिल्कुल सही, हम सब एक है, हमने मिलके जो चीजें अच्छी होगी वो के करनी है, डॉक्टर ने देखिए क्या किया कोविड में तो कोई आगे आता नहीं था, बिल्कुल ये वो डॉक्टर था, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने अपनी जाने गवा दी, ये जिन्होंने अपनी जाने नहीं अपने माँ बाप की, बिल्कुल सही, मैंने इसके बाद एक उनको बुलाया था जिनके माँ बाप मरे थे, यहाँ से हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके घर गए, वहाँ एल्डरली मदर फादर थे, उनको लगा उनकी जाने गवाई उन्होंने, ये वही डॉक्टर है, ये वही पैरामेडिकल है, ये वही सिस्टर है, ये वही हेल्थ वाले हैं जिन्होंने अपनी जाने गवाई, अपने घर वालों की जाने गवाई, अपनी सोसाइटी की जान बचाने के लिए, और यही जज्बा हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे, अगर कोई कोताही होगी हम उसके लिए बैठे हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन वी हैव टू वर्क टुगेदर, बिल्कुल टुगेदर वी कैन, बिल्कुल सही, आप SOPs का भी आपने कहा ये तो 100% आप तक है, बिल्कुल ये डॉक्टर तक नहीं है, इसमें कोई फीस नहीं मांगता आपको, बिल्कुल सही, आप ये जब देखिए हम सबको काम एक साथ करना है तभी ये चीजें सुधर जाएंगी, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ स्टूडियो तशरीफ लाने का और इतनी सारी बातें हम हमारे साथ शेयर करने का, हमें मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो नाजरीन आज हमने बात की हेल्थ की, और कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें डॉक्टर्स के लिए इज्जत जो है वो वैसी ही रखनी चाहिए जैसी तब हमने रखी थी जब पहली वेव शुरू हुई थी, तब यही वो डॉक्टर थे जिन्होंने हमें मौत के मुंह से वापस लाया, हमारे पेरेंट्स का इलाज किया, उन पेरेंट्स का जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, तो वहां पर जब अपने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, वहां इस डॉक्टर ने, इस पैरामेडिक ने, इस नर्स ने, उस हेल्थ वर्कर ने जो कहीं ना कहीं काम कर रहा था, ये सब आपके साथ थे, तो आज हम उनकी उस मेहनत को, उस जज्बे को कैसे भुला सकते हैं, तो इसको याद रखना होगा। और बात जहां तक चलती है SOPs की, तो SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, मास्क को पहने रखना है, हाथों का जो हाथों की सफाई को ध्यान में रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंस ये दोनों ध्यान में रखनी है, गैदरिंग्स में नहीं जाना है, और अगर हमें खुद को कहीं लगता है कि छोटा मोटा अगर कहीं कुछ लगता है इन्फेक्शन सा महसूस हो रहा है कुछ तो सिम्टम होगा तो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करना है और डॉक्टर से मिलना है। तो आज के प्रोग्राम में बस इंशाल्लाह इतना ही, अगर जिंदगी रही तो अगले शुमारे में एक और मेहमान से बात होगी, एक और मौजू पे बात होगी, तब तक के लिए अपने आप का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।